यदि आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे लॉक हो चुका है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपका फ़ोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, किसी को मैसेज नहीं कर सकते हो, किसी को पैसा पे नहीं कर सकते हो, बिजली बिल पे नहीं कर सकते हो, नेट का वाईफाई का पे पैसा पे नहीं कर सकते हो, कोई वर्क आप अपने फ़ोन से नहीं कर सकते हो जब आपका फ़ोन लॉक हो चुका होता है तो। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आप सीख पाइएगा और समझ पाइएगा कि कैसे आपको अपना पासवर्ड पैटर्न पिन तोड़ना है। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन क्यों ना हो, बस आईफोन नहीं होना चाहिए। जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है तो आप क्या करते हो फ्रेंड, सर्विस सेंटर जाते हो। सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपका समय लेते हैं, और पैसा समय लेने के बावजूद भी आपका डाटा भी ले लेते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले टोटल का टोटल डाटा डिलीट कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन का पासवर्ड पैटर्न पिन तोड़ना है बिना लैपटॉप कंप्यूटर के और बिना डाटा डिलीट किए हुए। सभी का सभी डाटा को सेफ रखना है। सबसे इंटरेस्टेड बात यही है कि डाटा कैसे सेफ रखा जाए। तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा मोबाइल से अनलॉकिंग वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो आपके पास पहुँचता रहे। और जब आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन रहे, कभी भी लॉक हो जाए, तो आप मेरे चैनल पर बस एक बार कॉमेंट कर देना कि सर मेरा फ़ोन लॉक हो चुका है, उस मोबाइल पर वीडियो मैं बना के आपको पर्सनली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसा मोबाइल से अनलॉकिंग वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। मैं फिर से करके बता रहा हूं, आपको ऐसे स्वीप अप करना है। जब आप ऊपर की ओर स्वीप अप करोगे तो नीचे आपको यहां पे इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, उस पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड, अगर आप नहीं देखे हो तो। नीचे इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है, और इस जो डायलेट देख रहे हो ना, इस डायलेट पे *#899# पे क्लिक करना है। आपके सामने एक पेज खुलेगा जो कि इस पेज का नाम साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, इंजीनियर मोड, आप देख सकते हो। तो इस इंजीनियर मोड में फ्रेंड आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप कन्फ्यूज नहीं होना, आप वही वर्क करना जो मैं बता रहा हूँ। आप अपने माइंड से कुछ एक्स्ट्रा करोगे फ्रेंड, आपका फ़ोन डेथ भी हो सकता है। चौथा नंबर ऑप्शन पे मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट पेज छोड़ देना है, सेकंड पेज पे आना है। सबसे पहले आपको अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या नहीं। अगर आपका सेंसर एक्टिव है तो आपका फ़ोन बहुत जल्दी अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे जी सेंसर हम क्लिक करते हैं और ऊपर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड कि सेंसर का जो तीनों एंगल है XYZ वो कितना तेज़ी से रनिंग कर रहा है। अगर ये रनिंग कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये सेंसर डीएक्टिव है? नहीं, ये सेंसर एक्टिव है। अब आपका फ़ोन जल्दी अनलॉक होगा। अब इसको बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आपको ऊपर चले जाना है, जी सेंसर के जस्ट नीचे जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिए, डाटा डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए और इसको 10 तक नीचे की ओर इंक्रीज होने दीजिए, ताकि आपका FRP कोड टूटे। जब 10 हो जाए इसको तुरंत बैक कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से बैक करना है। ऊपर चार्ज टेस्ट के नीचे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपके फ़ोन में 3 रहे 4 रहे सबको स्टार्ट कर दीजिएगा, और एक पास दिखे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और वो ही विदाउट डाटा लॉस होगा। तो दोनों को मैं स्टार्ट कर देता हूँ और एक पास आता है कि नहीं मैं चेक करता हूँ। ऊपर का पास है और नीचे का फेल है। मैंने बोला है कि आपका फ़ोन अनलॉक होगा वही विदाउट डाटा लॉस होगा। जब ऊपर पास हो गया तो होम बटन पे तुरंत क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड आपका भी फ़ोन ठीक इसी प्रकार जैसे ये फ़ोन अनलॉक हुआ है, ठीक इसी प्रकार किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपके पास क्यों ना हो, वो लॉक हो जाएगा, वही विदाउट डाटा लॉस होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस फ़ोन का एक भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। यदि आप सर्विस सेंटर गए होते तो आपका पैसा लगता, समय लगता, और ये डाटा भी अप्रोक्स लग ही जाता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं, वो डाटा डिलीट कर देते हैं। अब आपको हार्ड रिसेट करने की भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि कभी भी आपके फैमिली में या आपके भाई या आपके बहन आपका फ़ोन लॉक हो चुका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपका मैं मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।